त्रियुगी नारायण उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के त्रियुगी नारायण गांव में एक हिंदू मंदिर है। इस ऐतिहासिक मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। त्रियुगी नारायण शब्द तीन शब्दों से बना है। त्रि का अर्थ है तीन, युगी युग को दर्शाता है और नारायण भगवान विष्णु का दूसरा नाम है। तीन युगों से तीर्थयात्री हवन कुंड की आग में लकड़ी डाल रहे हैं, इसलिए इसका नाम त्रियुगी नारायण है। यह एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल है क्योंकि भगवान शिव का देवी पार्वती से यहीं पर विवाह हुआ था, जिसे भगवान विष्णु ने स्वयं साक्षात देखा था और भगवान ब्रह्मा ने विवाह को संपन्न करवाया था। जहां विष्णु ने विवाह को औपचारिक रूप दिया और संस्कार में पार्वती के भाई के रूप में कार्य किया, वहीं सृष्टिकर्ता देवता ब्रह्मा ने विवाह के पुजारी के रूप में सेवा की, जिसे उस समय के सभी ऋषियों ने देखा था। भक्त लकड़ी को जलाते हैं और राख को आशीर्वाद के रूप में इकट्ठा करते हैं और अपने घर ले जाते हैं। सतयुग के दौरान यह शिव और पार्वती के आकाशीय विवाह का स्थल था, जिसे पवित्र अग्नि की उपस्थिति में देखा गया था। कहा जाता है कि यह ज्योति शिव और पार्वती आकाशीय मिलन के समय से जल रही है और इसका नाम अखंड धुनि पड़ा था। नतीजतन मंदिर को अखंड धुनि मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अखंड धुनि मंदिर नाम शाश्वत अग्नि की कहानी से आया है, जहां अखंड का अर्थ है शाश्वत और धुनि का अर्थ है अग्नि। मंदिर के प्रांगण में एक जल धारा बहती है जो पास के चार पवित्र स्नान कुंड, रुद्र कुंड, विष्णु कुंड, ब्रह्मा कुंड और सरस्वती कुंड को भरती है। त्रियुगी नारायण मंदिर की संरचना शैली केदारनाथ मंदिर के समान है, जो बड़ी संख्या में भक्तों को आकर्षित करती है। आदि शंकराचार्य उत्तराखंड में कई मंदिरों के निर्माण से जुड़े हैं। भगवान विष्णु और उनकी पत्नी की एक चांदी की 2 फुट की तस्वीर मंदिर में रखी गई है और उसके साथ धन की देवी लक्ष्मी और संगीत की देवी सरस्वती जी की तस्वीर भी विराजमान है। सरस्वती गंगा की एक जलधारा है जो मंदिर के प्रांगण से शुरू होती है। ये क्षेत्र के सभी पवित्र तालाबों में बह जाती है। त्रियुगी नारायण मंदिर इतिहास। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी पार्वती हिमालय के अवतार हिमवत और हिमवान की बेटी थी। वह शिव की पहली पत्नी सती का अवतार थी, जो अपने पिता दक्ष द्वारा शिव का अपमान करने के बाद अग्नि में विलीन हो गई थी। पार्वती अपनी सुंदरता से शिव जी को लुभाने की कोशिश करती हैं और असफल हो जाती हैं। अंत में उन्होंने त्रियुगी नारायण से 5 किलोमीटर की दूरी पर गौरीकुंड में तपस्या करके शिव जी को आकर्षित किया। पौराणिक कथा के अनुसार शिव ने पार्वती को गुप्त काशी, जो कि केदारनाथ के मार्ग पर स्थित है, में विवाह करने से पहले मंदाकिनी और सोनगंगा नदियों के संगम पर छोटे त्रियुगी नारायण गांव में शादी करने का प्रस्ताव दिया था। पार्वती को समर्पित गौरीकुंड मंदिर में भी त्रियुगी नारायण मंदिर जाने वाले तीर्थयात्री आते हैं। हिमावत की राजधानी त्रियुगी नारायण मानी जाती है। मंदिर के सामने ब्रह्मशिला नामक एक पत्थर शादी के सटीक स्थान को चिन्हित करता है। एक स्थल पुराण में इस स्थल की भव्यता भी दर्ज है। तीर्थयात्री जो इस मंदिर में आते हैं, वे जलती हुई आग की राख को पवित्र मानते हैं और उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। यह भी माना जाता है कि इस अग्नि की राख से वैवाहिक सुख में वृद्धि होती है। कहा जाता है कि विवाह अनुष्ठान से पहले रुद्रकुंड, विष्णुकुंड और ब्रह्मकुंड में देवों ने स्नान किया था। सरस्वती कुंड, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुआ है, तीनों कुंडों को जल की आपूर्ति करता है। नतीजतन इन कुंडों के पानी को बांझपन के लिए एक उपाय भी माना जाता है। त्रियुगी नारायण मंदिर वैदिक विवाह। हमें से अधिकांश के लिए उपयुक्त जीवन साथी चुनना एक बड़ी बात है और विवाह के लिए सही जगह ढूंढना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जहां अधिकांश सगाई वाले जोड़े किसी होटल, रिजॉर्ट या बैंकेट स्थल पर शादी करना चाहते हैं, तो कई मिलेनियल्स डेस्टिनेशन वेडिंग पसंद करते हैं। इस समूह के भीतर भी कई ऐसे जोड़े हैं जो चाहते हैं कि उनकी शादियां आध्यात्मिक वातावरण में संपन्न हो। त्रियुगी नारायण एक लोकप्रिय विवाह स्थल के रूप में तेजी से प्रसिद्ध हो रहा है। यहाँ का वातावरण अत्यंत मनमोहक है और यहाँ का स्थायी खाना अत्यधिक स्वादिष्ट एवं प्रसिद्ध भी है। गर्मियों में हरियाली एवं सर्दियों में श्वेत बर्फ से आच्छादित पर्वतों के बीच विवाह का अनुभव आपका हृदय मोह लेगा। विवाह के साथ यहाँ के स्थायी लोगों के लोकगीत व संगीत एक अलग ही आनंद प्रदान करते हैं। यहाँ की स्थानीय धार्मिक परंपराओं, संगीत और भोजन से विवाह में स्थानीय स्पर्श प्राप्त होता है।
जोड़े अपनी संबंधित परंपरा के साथ स्थानीय रीति रिवाजों के साथ भी शादी कर सकते हैं। विदेशी जोड़े भी पवित्र अग्नि की परिक्रमा कर सकते हैं, जिससे वैवाहिक जोड़ा तथा विवाह में आए अतिथि वैदिक विवाह की परंपरा का अनुभव कर सकेंगे। त्रियुगी नारायण में शादी की लागत आमतौर पर किसी भी होटल, लॉज या फार्म हाउस में भुगतान की जाने वाली राशि से कम है, तो आप ऐसे में एक तय बजट पर शादी कर सकते हैं। विवाह स्थल सुंदर एवं सुगम है और आपकी वैदिक विवाह के लिए सर्वोत्तम है। एक सुखी विवाह के लिए भगवान विष्णु और शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विगत वर्षों में कई विख्यात जोड़ों ने यहाँ विवाह किया है। जनवरी 2017 में टेलीविजन अभिनेत्री कविता कौशिक, जिन्हें चंद्रमुखी चौटाला के रूप में भी जाना जाता है, उन्होंने अत्यंत ठंड के मौसम में भी त्रियुगी नारायण मंदिर में शादी की थी। प्रयाग पंडित त्रियुगी नारायण मंदिर में समस्या मुक्त विवाह सेवा प्रदान करते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से हमसे संपर्क करें। धन्यवाद।